बाय माँ, बॉस के साथ मीटिंग है एंड आई एम रनिंग लेट। मैं जानती हूँ, इतनी ही जल्दी थी तो टाइम पर उठ जाता। अब कहेगा कि ब्रेकफास्ट के लिए भी टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने सैंडविच पैक कर दिया है, कार में खा लेना। यू आर अ जीनियस माँ। अर्जुन। बोलो माँ। वो मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। नहीं नहीं, तू ऑफिस जाना, मैं फोन करके बात कर लूंगी। फोन क्यों? ऑफिस में चिल्ला नहीं पाऊंगा, इसलिए जो बात करनी है अभी करो। नहीं नहीं बेटा, बॉस के साथ मीटिंग है ना, जा जा जल्दी जा, तू लेट हो जाएगा, जा। तुम्हें देख लूंगा माँ। ये मुझसे पट जाएगी। आई थिंक इट शुड वर्क, एक बार ट्राई करता हूँ। हाय, आखिर कब तक हम दोनों एक दूसरे को ऑफिस में इस तरह घूरते रहेंगे? हाँ, जब से तुमने कंपनी ज्वाइन की है हमने बेशक कभी एक दूसरे से बात ना की हो, लेकिन पता है हमारी आंखें रोज लिफ्ट में एक दूसरे से बात करती हैं। जैसे बाहुबली में वो विलन किली किली भाषा में बोलता था ना, वैसे ही। ये थोड़ी अजीब लाइन हो गई है। मस्त है, मस्त है, टेंशन मत लो। तुम्हारी आंखें मुझे बता चुकी हैं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। अब बस जुबान तक लाने की देरी है, फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने आऊंगा। यस, इट्स ट्रू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। योर ओबीडियंटली, नो, योर्स लविंगली, योर्स सुजीत। Looks good. अब अरे तू कहाँ है? बॉस तेरी वेट कर रही है। Hey, hey, I'm on the way. ठीक है, जल्दी आ। Bye. Send. What nonsense, सुजीत? मैंने तुम्हें कब प्यार से लिफ्ट में देखा? तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी। How dare you? Shit. Shit. मेरा मेल तो पूरी बिजनेस डेवलपमेंट की टीम को चला गया। Shit. ये मैंने, सुनो सुजीत, व्हाट इज दिस? नो नो, एक्चुअली आई थॉट यू वर माय ब्रदर। नो नो सिस्टर, वायरस है इस माउस में। आई डोंट वांट टू डाई हियर रागी। एक्चुअली सुजीत, मैं तो सबसे कह रही थी कि इस ऑफिस में सिर्फ तुम ही जेंटलमैन हो। मेरी बात सुनो, आई एम जेंटल फ्रॉम इनसाइड। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या सुजीत? सर, हाउ कैन आई अंडू द ईमेल आई सेंट? सर, मैं पर्सनल मेल करना चाह रहा था पर गलती से वो ग्रुप में चला गया। मतलब सुजीत, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना घटिया ईमेल? दो लड़कियों की माँ हूँ मैं। शादी हो गई है क्या उनकी? शट अप, शेमलेस। वो क्या था ब्रो, तुम्हारा मेल पढ़कर शॉक हो गया मैं। मैंने तुमसे कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, और सडनली जब वो मेल आया, पहले तो मैं कुछ समझा ही नहीं। खैर चलो ठीक है, मुझे दो दिन का टाइम दो, मैं सोच के बताता हूँ। कमीने, ईमेल में हरेसमेंट करते हो, फालतू इंसान। बाहुबली की किली किली भाषा, छी। लाइन तो अच्छी थी वैसे। मैं ना तुम्हें मार डालूंगी अगर बॉस लाइन। यहाँ बैठकर बेशन किताब पढ़ रहा, देखो तो। तुम जैसे लड़कों की वजह से ही लड़कियाँ रात से घर से बाहर नहीं निकल सकती। तुम जैसों को तो जेल के पीछे होना चाहिए। What do you think? बेशन, देखो तो कैसे देख रहा है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखो। अगर तूने उस ईमेल का नाम भी लिया ना। कौन सा ईमेल? अच्छा, अरे बॉस कब से तुझे बुला रही है, जा जाके मिल। हाँ बस एक मेल चेक करके जाता। अरे मेल को छोड़ना, जा जाके मिल गया पहले। अरे जा, बॉस कब से वेट कर रही है। भाड़ में गया मेल। मैम। या कम अर्जुन, अर्जुन तुम एक काम करो, कल तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली क्लाइंट के ऑफिस चले जाना। श्योर। कल 10 बजे की मीटिंग है। प्रेजेंटेशन के समय तुम्हारा ये फोन बजना नहीं चाहिए। नो नो नो, प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए अर्जुन। I'll switch it off. ठीक है, चलो काम पर लग जाओ और कल प्लीज लेट मत आना। या मैम।
क्या बोली वो? What the hell? फोन स्विच ऑन करते ही कॉल आ गया। क्या हो गया? मॉम को मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। बॉस से बात करते समय भी दो बार फोन आया। इंपॉर्टेंट मैटर क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इधर नहीं, कैफेटेरिया में बैठ के उनसे बात करता हूँ, आराम से चिल्ला पाऊंगा। हाँ बेस्ट है, चल। हाँ बेटा, तुम बिजी थे क्या? ओके, मैं बस 5 मिनट ही लूंगी। मैं तुम्हें गुड न्यूज देना चाहती थी। तुम ध्यान से सुनो, हाँ, शांत रहना और टेंशन मत लेना। गुड न्यूज है तो मैं टेंशन क्यों लूंगा? जल्दी न्यूज बताओ, मुझे कैसे रिएक्ट करना है मैं देख लूंगा। कुछ खास नहीं है बेटा, वो आज शाम को ना एक लड़की के साथ मीटिंग फिक्स की है, तुम्हें आना है और लड़की से मिलना है, बस इतना ही। I knew it, माँ, मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा? तेरे लिए कितनी मुश्किल से मैंने अच्छी लड़की ढूंढी है, तुझे उससे मिलना ही होगा। कब तक इस तरह कुंवारा रहेगा तू? आप ऑलरेडी यही हरकत मेरे साथ 2 बार पहले भी कर चुकी है माँ, हर बार आप यही कहती है। और वो दोनों मुलाकातें मेरी जिंदगी की सबसे घटिया एक्सपीरियंसेस थे। जिसके भी घर जाओ पूरा खानदान ऐसे घूरता है जैसे मैं कोई चोर हूँ। फिर अचानक एक लड़की कॉफी लेके अंदर आती है, फिर सब लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि 10 मिनट टेरेस पे अकेले बिताने जा। हम 10 मिनट एक दूसरे की शक्ल देखकर नीचे आते हैं तो पूछते हैं, क्या तुम एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने को तैयार हो? मैं क्या कहूँ माँ, ऐसे कोई शादी करता है क्या? आप में जरा सी भी अकल है क्या? ये कितना बकवास तरीका है। आजकल के सारे लड़के ऐसे ही कहते हैं, पर जब तू 40 साल का हो जाएगा ना, तब जाकर फिर मुझ पर चिल्लाएगा। यही शादी की सही उम्र है बेटा, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। तू कुवारा रह गया तो मेरे जाने के बाद तेरा ध्यान कौन रखेगा बेटा? तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ, मुझे इतना टॉर्चर करोगे तो तुमसे पहले मैं ही चला जाऊंगा। और मैंने कब कहा मैं शादी नहीं करूंगा, मैं बस 5 साल तक ये बात नहीं करना चाहता। 5 साल में तुम 32 साल के हो जाओगे और उस उम्र में पहुंचने के बाद अरेंज मैरिज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑप्शंस ही नहीं बचेंगे बेटा। सुन, जिंदगी में तेरे लिए क्या अच्छा है तुझसे बेहतर मैं जानती हूँ। You're a confused idiot. पर मैं तो बेवकूफ नहीं हूँ ना, मैंने जो लड़की देखी है ना, वो तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मॉम, लड़की चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मेरा जवाब ना ही होगा। ए, सुन, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। हा? उस लड़की के बारे में तो कुछ नहीं जानता। 10,000 रुपए की शर्त लगाती हूँ, उस लड़की को देखते ही 10 मिनट के अंदर तू मेरे पास भागते हुए आएगा और मेरे पैर पकड़कर जिद करेगा कि माँ मुझे इसी से शादी करनी है। लग गई शर्त, उस लड़की को मैं 5 मिनट के अंदर रिजेक्ट कर दूंगा। लगी शर्त, ठीक है, बाय बाय। अरे, इसने तो मुझे फिर से फंसा लिया यार। टेरेस पर चलते हैं, इधर मेरा दम घुट रहा है। ठीक है, मैं समोसा लेकर आता हूँ, तुझे चाहिए? नहीं चाहिए। तो बाद में मेरी प्लेट से नहीं खाएगा ना? ये नहीं चाहिए बोला ना। ओके ओके ओके। हेलो सर, एक प्लेट समोसा देना। कौन समोसा है, आलू वाला नहीं है क्या? ठीक है, इसके खाते में लिख दो। थैंक यू। सेंसलेस पीपल मैन, क्यों करूं मैं शादी? क्योंकि आपको करवानी है। बोलती है ये लड़की इतनी अच्छी है कि इससे अच्छी लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती। 100% मैं हाँ बोलने वाला हूं। माय फुट। सुन, चल एक बात बता, तू 27 साल का हो चुका है, लास्ट ईयर तुझे प्रमोशन भी मिली थी और अभी सैलरी भी अच्छी मिलती है। मस्त लाइफ है ना? लेकिन तेरी लाइफ कितनी बोरिंग है यार। तेरा ब्रेकअप हुए भी 6 साल हो चुके हैं, राइट? और तब से तेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और होने के चांस भी कम लग रहे हैं। तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? शादी कर लेना चुपचाप। तेरा दिमाग खराब तो नहीं है ना? तू मेरी माँ से बदतर है यार। लाइफ बोरिंग है तो मैं शादी कर लूं क्या? इस वजह से शादी करने से तो अच्छा है कि मैं कुंवारा ही मर जाऊं। और बोर ही हो रहा हूं तो शॉपिंग करने या कोई पिक्चर देखने चला जाता हूं ना, शादी करने की क्या जरूरत है? जो चीज टूटी ही नहीं है उसे जोड़ने की कोशिश मत करो। और जिंदगी में मेरे कुछ गोल्स हैं, माय विश लिस्ट। मेरे सब अरमान पूरे करने के बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगा। गोल्स? चल बता,
तेरे अरमानों की लिस्ट बता मुझे। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना तुझे बताया तो था, मुझे एक हाई एंड स्पोर्ट्स कार खरीदनी है। उसके लिए मैं ऑलरेडी 12 लाख रुपए सेव कर चुका हूँ और 8 लाख फिर डाउन पेमेंट और बाकी अमाउंट लोन पे। ओके, तो अगर मेरी शादी हो गई तो? हाँ तो मेरी वाइफ तो फिर भी मान जाएगी, लेकिन मेरे महान पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स सब कहेंगे कि ये क्या किया तुमने, तुम्हारी शादी हो चुकी है, यू आर अ फैमिली मैन नाउ। इन पैसों को तुम गोल्ड में या फिर इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते थे और फिर वही पैसा तुम्हारे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए काम आ सकता था। माय फुट, क्या बकवास है। ये तो एक गोल है, ठीक है, नेक्स्ट गोल क्या है? लाइफ में एक यूरोप ट्रिप मारनी है यार, अराउंड 1 month to 40 days, आराम से यूरोप का हर कोना घूमना है, एंजॉय करना चाहता हूँ। और अकेले जाऊंगा, अगर शादी के बाद यूरोप गया तो मेरे जैसा बड़ा गधा कोई नहीं होगा। वहां यूरोप में स्पैनिश और इटालियन लड़कियों को देखा है तूने? यू शुड कीप योर ऑप्शंस ओपन मैन। रुक जा, तू ये रईसों की तरह सोचना बंद कर और थोड़ा औकात में आ जा भाई, असली दुनिया ऐसे नहीं चलती है। आज के समय में अरेंज्ड मैरिज करने वालों को भी लड़की मिलना मुश्किल हो गया है, और अगर कोई मिल गई तो चुपचाप शादी कर लेनी चाहिए। ये कोई गोल्स होते हैं क्या? ठीक है, ओके, हर आदमी के अपने गोल्स होते हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन याद रखना, तेरी माँ बहुत खतरनाक लेडी है। अगर वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि तू हाँ कहेगा, तो फिर उनकी बात में कुछ तो दम होगा ना। एक बार जाकर उस लड़की से मिल तो ले, फिर फैसला कर लेना। अरे शादी नहीं करनी है तो जाकर मिलूं क्यों? मैंने माँ से कह दिया, तुमसे भी कह रहा हूँ, बेशक जो भी हो मैं ना ही बोलने वाला। लड़की तो पहले हाँ बोले। सुन, ये शादी के लिए लड़कियों से मिलना मेरे बस की बात नहीं है, तू भी साथ चलना, मॉरल सपोर्ट। मैं? ओके, लेकिन एक शर्त पे चलूंगा। तूने ना बोला तो लड़की मेरी। अरे मैं तो ना ही करने वाला हूँ, और तो और मैं तेरी सेटिंग भी करवा दूंगा, चला जा। डन 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 डन। सर लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर है, आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर है। 14 फ्लोर्स, हर फ्लोर पर 20 स्टेप्स होंगे, टोटल 280 स्टेप्स। मैं ये आराम से कर सकता हूँ, मुझे देखकर शायद ऐसा ना लगे। सो बॉडी को पता ही ना चले मुझे इतनी तेज भागना होगा। तूने यूसेन बोल्ट का नाम तो सुना ही होगा। इससे पहले कि मेरी बॉडी को पता चले कि मैं इतनी मेहनत करने वाला हूँ, मैं 14 फ्लोर तक पहुँच भी जाऊँगा। आई एम ऑन इट, आई होप यू कैच अप। उस इनबोल को अस्थमा हो गया क्या? कौन से फ्लोर पर है? 6th फ्लोर। 6th फ्लोर, हम लोग चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। ए सुजीत, सुजीत उठ यार, उठ बे। दूध वाला आ गया क्या? अबे कौन सा दूध वाला यार? सुन, मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ, प्लीज। थैंक यू अर्जुन। कैचअप? हाँ बोलो बेटा। कहाँ हो माँ? आपने तो कहा था आज मुझे किसी लड़की को मिलने जाना है। मेरी ना के डर से कहीं आपने प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं कर दिया? वेरी गुड डिसीजन, आई एम प्राउड ऑफ यू। अर्जुन
मैं तुम्हें एक बार बताना भूल ही गई, जरा शांति से सुनना, ओके? क्या? लो, लो मुझे तो मैं बात करूँ ना। हेलो अर्जुन, सुनो, ये मेरा आइडिया नहीं है, और एक सच्चाई ये है कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। कैसा आइडिया? आप क्या बोल रहे हो? एक्चुअली तूने जो कहा था बिल्कुल सही था। हम लड़की को देखने उसके घर जाते हैं, फिर सब लोग तुझे घूरते हैं, फिर लड़की आती है, सबको कॉफी देती है, तुम दोनों टेरेस जाते हो, फिर 10 मिनट बात करते हो, और तुम्हें डिसाइड भी उसी वक्त करना होता है। ये कितना गलत तरीका है ना बेटा। Exactly. इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया है। वो क्या? मैं लड़की की फैमिली से बात कर चुकी हूँ, उन्हें कोई एतराज नहीं है। उन्हें किस चीज से एतराज नहीं है? वो लड़की जो है ना, वो हमारे घर आएगी तो तुम शांति से बैठकर कामली उससे बात कर लेना। What? उससे खुलकर बात कर लेना बेटा, जो भी डाउट्स है क्लियर कर लेना, टेक योर ओन टाइम, ओके? और डिसाइड करके मुझे भी इन्फॉर्म कर देना। मैं और तेरे पापा यही पास में डिनर करने आए हैं। माँ, व्हाट द हेल? आपका दिमाग कहाँ पर है माँ? और वो लड़की भी इस पागलपन में शामिल हो गई, और उसकी फैमिली में कोई संस्कार है या नहीं है? अर्जुन, आप ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ने की बात कर रही हो जो अपनी बेटी को अकेला मुझसे मिलने के लिए भेज रहे हैं? आज तेल लेने गए आपके संस्कार? दिस इज टू मच मॉम, दिस इज टू मच माँ, दिस इज नॉट डन। वो आखिर मान कैसे गई इधर अकेले आने के लिए? ओवर एक्टिंग बंद कर, तू ऐसा सोच के किसी नई लड़की के साथ डेट पर आया है? तुझे बस अपने आप को इंट्रोड्यूस ही करवाना है ना, आजकल के लड़के ये सब काम अच्छे से कर लेते हैं, तू क्यों टेंशन ले रहा है? अरेंज मैरिज को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे। डेट, डेट, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे किसी डेट पर नहीं जाना। ए, मेरे जैसी ब्रॉड माइंडेड और प्रोग्रेसिव माँ बहुत नसीब वालों को मिलती है। व्हाट इज दिस? किससे बात कर रहा है? ए, 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 बोलना। ए, मत कर यार। कौन है वहाँ पर? सुजीत। जरा फोन दे उसे। क्यों दूं? उसे फोन दे। तू वहाँ क्या कर रहा है? ये ब्लड कैसा है? ए, रुक, छोड़ मुझे। रुक, तेरी माँ ने अपना खतरनाक रूप दिखाई दिया, उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरी शादी नहीं होने देगी। नहीं यार, आई हैव माय प्रायोरिटीज। रुक रुक। शिट। ये नया शर्ट पहन लेना बेबी, मॉम स्माइली फेस, बाहर में जाओ सब। जीन्स तक नहीं पहनूंगा, शॉर्ट्स ही सही है। Open the door. Okay, auntie. Bye. Hello. Shit! माँ ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। These people, I tell you, they've ruined my life. I'm sorry, वो okay, okay, no problem. Hi, I'm Arjun. Hi, जितनी introduction की जरूरत थी उससे ज्यादा ही दे चुके हो। ओह, तो तुमने already इस बात का मजाक बनाना शुरू कर दिया।
ओके आई एम सॉरी, आई एम अंजलि एंड इस टॉपिक पर मैं दोबारा बात नहीं करूंगी. ओके कैन आई कम इन? या श्योर कम इन. प्लीज सिट. Arjun, you work with Tech Art, right? Yeah. मेरी फ्रेंड रम्या है ना, Tech Art की HR डिपार्टमेंट में है. तुम उसे जानते हो? Not really sure. Okay. Arjun, can I have some water, please? Yeah, sure. अंजलि को पाइनएप्पल जूस बहुत पसंद है, मैंने बनाया है. पानी मांगे तो उसे दे देना. हार्ट स्माइली तो देखो जरा. मेरा बस चले तो जहर दे दूं. थैंक यू. अंजलि, आई कम टू द पॉइंट. कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सो ऑनेस्टली तुम्हें बता देता हूँ, मेरे मॉम डैड ने तुम्हें यहाँ बुलाकर तुम्हारा टाइम वेस्ट किया है, एंड आई एम रियली सॉरी. और मुझे शादी करने में फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है. कम से कम 5 साल तक मैं शादी नहीं करना चाहता. इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू रियली. मुझे शादी ही नहीं करनी है. What do you mean? You heard me. तो ये बात तुमने घर पे पहले क्यों नहीं बोली? मजाक कर रहे हो क्या? अंजलि, मैंने मॉम को कई बार मना किया लेकिन वो सुनती नहीं है यार. What do I do? Are you 10 years old? ना नहीं कह सकते? अपनी माँ को ढंग से मना नहीं सकते क्या? मुझे यहाँ बुलाकर टाइम वेस्ट कर दिया. मुझे और कोई काम नहीं. अंजलि, I'm really sorry. लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. बोल तो रहा हूँ, माँ ने मेरी नहीं सुनी, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ओवर रिएक्ट? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि इतना सज धज के किसी अनजान लड़के से मिलने जाना मेरी हॉबी है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गोली मारकर ये कर रही हूं. माय फेट, मेरी परिस्थिति कुछ ऐसी है. और अब मैं अपनी मां को क्या जवाब दूंगी? माँ कुछ कर बैठी तो? मुझे थोड़ा पानी चाहिए. हाँ, या श्योर. पानी छोड़ बेटा, इस बार जूस ही सही रहेगा. अंजलि, तुम्हें पाइनएप्पल जूस बहुत पसंद है ना? बैठूं या नहीं? घर तो मेरा ही है, बैठ जाता हूं.
अंजलि डोंट माइंड बट अरेंज मैरिज में किसी को नो बोलना तो कॉमन बात है ना, एंड मैंने तो इतने डिसेंट तरीके से तुम्हें नो कहा। सही कह रहे हो, तुम और कर भी कह सकते हो। अगर मेरे घर में प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं भी फिलहाल शादी नहीं करती। I'm sorry, I didn't mean to overreact. और लड़कों से रिजेक्ट होने की मुझे आदत हो चुकी है, so it's fine. लेकिन क्यों? तुम एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो, एंड यू आर ब्यूटीफुल, तुम्हें कोई पागल ही ना बोलेगा। ओहो, तो 10 मिनट पहले तुमने क्या किया? मैं रिलैक्स अर्जुन, आई एम जस्ट किडिंग। अंजलि, पहले तुम कुछ हालात की बात कर रही थी कि तुम्हारी माँ कुछ करना बैठे, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप लोग भी हैदराबाद से ही हो ना? वेरी गुड वेरी गुड। आपकी बेटी को पढ़ाई में डिस्टिंक्शन भी मिला है ना? ओहो, मुझे आपकी बेटी सच कहूं तो बहुत पसंद आई। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने इसे। हरीश यूएस से आते ही अंजलि से मिल लेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हरीश तो क्या, कोई भी लड़का आपकी बेटी को ना नहीं कहेगा। बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे क्या चाहिए, जैसे ही हरीश आ जाएगा हम मंगनी कर देंगे और जल्द से जल्द शादी भी करवा देंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं सबको बता कर आती हूँ। इसके मामा तो इसकी शादी की बात सुनकर खुशी से पागल ही हो जाएंगे। मैं अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, शादी की कितनी सारी तैयारियां बाकी हैं, मंगनी के बाद शादी का अच्छा मुहूर्त भी देखना है, कार्ड छपवाने हैं, कितने सारे लोगों को फोन करना है, बहुत सारा काम बाकी है। तो चुप करना, मुझे भी लिस्ट भी बनानी है, किस किस को बुलाना होगा। हाँ, दिल्ली के सारे कजिन्स को बुलाना होगा, शादी में कौन कौन रहेगा ये भी पूछ लूंगी। सबसे पहले मैं लिस्ट बना लेती हूँ, लिस्ट बना लूंगी ना तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तुझे नहीं पता कि शादी की कितनी सारी तैयारियां होती है। आप बताइए कि आप शादी कब करवाना चाहती है ताकि मैं लिस्ट टाइम से बना दूं। कौन कौन आएगा मुझे पता ही नहीं है, इसलिए मैं अभी से सबको बता देती हूँ। आप बैठिए ना, आप आराम से बैठ जाइए। वो दिल्ली वाले तो जरूर आएंगे। क्या है तुम्हें, मैं काम कर रही हूँ ना। कितनी गंदगी है यहाँ, तुम लोग साफ नहीं करते क्या? देखो तो, मामा जी को बुलाना होगा, चाचा जी भी आएंगे, उनकी फैमिली भी तो है, उनके बच्चे भी हैं, तीन बेटे हैं उनके। एक मिनट माँ, अंकल आप डरिए मत, माँ इज बाइपोलर, मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं तो उन्हें दौरा पड़ता है। उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, सो डोंट वरी। बेटा इनका ख्याल रखना, मैं हरीश के वापस आते ही फोन करवाता हूँ, ठीक है बेटा? उनका ही फोन है। हाँ, ला मुझे दे, सॉरी कह देती हूँ। हेलो, यस अंकल। बेटा तुम हमें बहुत अच्छी लगी, तुम सच में बहुत ही प्यारी हो। लेकिन हमें एक और लड़की भी बहुत पसंद है, अगर तुम दोनों को रेटिंग दूं तो तुम्हें मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा। लेकिन उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम्हारी माँ की वो जो बीमारी है ना वो शायद, और तुम्हारे पिताजी भी नहीं है और कोई भाई भी नहीं है। अगर तुम्हारी शादी हरीश के साथ हो गई तो तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी भी हरीश पर आ जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, ये शादी नहीं हो सकती। और कोई कारण नहीं है, देखो तुम निराश मत हो ना। अंकल आप किसी भी लड़की को पसंद कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच कहूँ तो मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और ये सब तो मैं अपनी माँ की खुशी के लिए कर रही हूँ। पर एक बात याद रखिए, मेरी माँ और मेरी फैमिली की देखभाल कैसे करनी है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। भले ही मेरी शादी किसी से भी क्यों ना हो जाए, मैं अपनी माँ का ध्यान अकेले रख सकती हूँ। मैं किसी के भरोसे अपनी जिंदगी नहीं जी रही हूँ,
मैं इनकी देखभाल कर लूंगी. विश योर सन अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. वो नहीं है बेटी. एक काफी अच्छा रिश्ता आया है भैया, तो इस बार अंजलि हम एक काम करते हैं, जब वो लोग आएंगे ना तो मैं तेरी माँ को लेकर कहीं बाहर चला जाऊंगा. क्यों मामा? कोई जरूरत नहीं है. जो लड़का माँ की हालत समझेगा मैं बस उसी से शादी करूंगी और किसी से नहीं. अदरवाइज आई विल नेवर बी ट्रूली हैप्पी. मैं खुद उन्हें सच बता दूंगी. तू पागल हो गई है क्या? आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे कहीं बाहर ले जाइए. ये रिश्ता मेरी वजह से टूटना नहीं चाहिए. तुम इस लड़के से मेरे बिना ही मिलोगी. ऐसी बात नहीं है माँ. मुझे कहीं बाहर ले चलिए. तुमने डिग्री कहाँ से ली बेटी? हाँ, हैदराबाद से अंकल. ओके चलो. ओके देन. It's been a pleasure meeting you, Anjali. Hope we have a great life together. Okay, beti. God bless you. तुम्हारी माँ जब भी बेंगलुरु से वापस आए, हमें जरूर बता देना. बाकी बात हम कर लेंगे. Okay. Yeah. चलते हैं. तो हम आते हैं. Bye. Okay. Okay, auntie. Hey, राजीव, क्या हुआ? तुम्हें लड़की पसंद आई? लड़की बहुत ही प्यारी है. इतना अच्छा रिश्ता लाने के लिए शुक्रिया. हम तुम्हारे आभारी रहेंगे बेटी. Ah, thank God! मैं जानती थी आपको अंजलि पसंद आएगी. अंजलि is a gem. She is really a gem. इसे कहते हैं ना perfect match. आपको पता है इससे पहले अंजलि के लिए जितने भी रिश्ते आए थे वो अंजलि की माँ की वजह से टूट जाते थे. चलो अच्छा है. मैं जानती थी कि आप लोगों की सोच बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने आपको इस रिश्ते के बारे में बताया था. उसकी माँ की वजह से? लेकिन क्यों? मतलब उन्होंने आपको बताया नहीं? फिर से जोकर उठा रही हैं आप. मैंने देखा ही नहीं. उनका ही फोन है. हेलो. हाँ बोलिए अंकल. तुम्हारी माँ बेंगलुरु से आ गई बेटी? या अंकल, आ गई हैं. इनफैक्ट वो मेरे पास ही बैठी हैं. तुम्हारी माँ सच में बेंगलुरु गई थी क्या बेटी? अंकल मुझे ऐसा लगता है बेटी तुमने राजीव को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया. शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, ये बल्कि दो परिवारों का मिलन है. फैमिली में अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो हम सब मिलकर उसकी देखभाल करते हैं ना. और राजीव भी तुम्हारी माँ का ठीक वैसे ही ख्याल रखता. हम उतने नैरो माइंडेड नहीं है बेटी जितना तुमने सोचा. जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ बोलकर हुई हो वो रिश्ता चाहे जितनी भी कोशिश कर लो कामयाब नहीं हो सकता. हमें माफ कर देना बेटी. I'm sorry अंकल. मैं प्रार्थना करूंगी कि राजीव को रियली अच्छी लड़की मिले, ये मैं अपने दिल से कह रही हूँ. योर फैमिली डिजर्व्स द बेस्ट. आई एम रियली सॉरी अंकल. बाय. ए क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ. वजह से एक और रिश्ता टूट गया. माँ ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुमसे एक बात कहूँ, मेरी जिंदगी बस आप लोग हैं और आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है. अच्छा जॉब है, अच्छी सैलरी भी है. मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ. अभी तो हमें एक गाड़ी भी लेनी है, खुद का फ्लैट लेना है. सब साथ में खुशी से रहेंगे. लाइफ में बस शादी करना ही सब कुछ होता है क्या? नहीं ना माँ.
आज मैं माँ से जो भी कहूंगी उन्हें विश्वास नहीं होगा। उन्हें बस यही लगेगा कि उनकी वजह से ही रिश्ता टूट गया है। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। सॉरी अंजलि, मैं गुस्से से पागल हो रहा हूं। 10 बार कहा मुझे शादी नहीं करनी। कल न्यूज में आएगा देखना, एक लड़के ने अपनी मां को मार डाला। आई एम सो सॉरी अंजलि। तुम बहुत अच्छे हो अर्जुन। मैंने कई तरह के लड़के देखे हैं। कोई कहता है कि उन्हें सिर्फ किसी एक्ट्रेस की तरह लंबी लड़की चाहिए, और फिर एक ने कहा कि उसे दूध जैसी गोरी चिट्टी लड़की चाहिए। ये तो फिर भी ठीक था। एक लड़का मुझे पिछले साल मिला था, ही वॉज द वर्स्ट। मैं जैसे ही उससे मिली, उसने मुझसे हाय तक नहीं बोला, टॉप टू बॉटम स्कैन किया बस। और बाद में उसकी माँ का फोन आया और उसने कहा कि लड़की तो अच्छी है लेकिन चेहरे पर थोड़े दाग और दांत थोड़े अजीब हैं। हम लड़कियां मोबाइल फोन होती हैं क्या कि फीचर्स देखकर पसंद करोगे? और हमारे पेरेंट्स को शादी का पूरा खर्चा भी उठाना पड़ता है। आजकल हर एक लड़की को कटरीना चाहिए, लेकिन उनमें से कोई भी रणबीर नहीं दिखता। लेकिन उनका तो ब्रेकअप हो गया ना। कैच माय पॉइंट अर्जुन। तुम वो स्कैन करने वाले का नाम और पता तो दो, मार डालूंगा उसे। ओहो, मेरे लिए किसी को मारकर जेल जाने के लिए तैयार हो लेकिन मुझसे शादी नहीं कर सकते। सही बोला ना अंजलि। अर्जुन, आई एम किडिंग, रिलैक्स, यू आर अ नाइस गाय। मुझे सिर्फ 5 मिनट दो अर्जुन, घर जाकर क्या बोलना है ये सोचकर निकलती हूँ। या श्योर। इफ यू डोंट माइंड, हम बालकनी में चले, मुझे थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए। या श्योर, प्लीज कम। तो बताओ अर्जुन, तुम अरेंज मैरिज की मार्केट में कैसे टपक पड़े? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? 6 years back हमारा ब्रेकअप हो गया था, तब से मैं सिंगल ही हूँ। पता है, हैदराबाद की लड़कियों के बारे में एक लॉजिक है। हैदराबाद में 2 टाइप की लड़कियां होती हैं, आइदर सिंगल और इंटरेस्टिंग, बट नेवर बोथ। तुम बताओ, ये अरेंज मैरिज की मार्केट में तुम कैसे आ गई? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? मी? मैं बहुत बोरिंग टाइप की हूँ अर्जुन। कॉलेज में जो फर्स्ट बेंच पर बैठकर नोट्स लिखते रहते हैं ना, बेल बजते ही घर चले जाते हैं और फिर घर जाकर घर में काम करते हैं। क्लासमेट्स थे ना, मुझे आंटी जी कहकर बुलाते थे। सो आई नेवर हैड अ बॉयफ्रेंड। नेवर? मैं ही बेटर हूँ। वैसे लड़कों में भी एक लॉजिक होता है। हैदराबाद में हैंडसम लड़कों को क्या बुलाते हैं पता है? क्या बुलाते हैं? टूरिस्ट। हेलो। ओह प्लीज। Thank you.
चलती हूँ, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। माँ भी काफी टेंशन ले रही होंगी। घर जाकर जब कहूंगी कि बात नहीं बनी तो पूछेंगे कि फिर इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें। ओके अंजलि, मैं दिल से कह रहा हूँ तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होगा एंड तुम्हें एक बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। ओ, लेकिन तुम हाँ नहीं कहोगे है ना? I'm joking, अर्जुन, तुम सच में बहुत भोले हो। मैं भी एक बात दिल से कहती हूँ, you're very sweet। तुम जिस दिन शादी के लिए राजी हो जाओगे तुम्हें जरूर एक बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। ओके, बाय। मुझे घर बुलाकर रिजेक्ट करने के बाद अब तुम्हें हक भी चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं, हैंडशेक काफी है। हम कौन सा फिर मिलने वाले हैं? मुझे माँ के पास जाना है। Are you kidding me? What do you mean? तुम बस ऐसे ही चली जाओगी? मैं और कर भी क्या सकती हूँ अर्जुन? मैं शादी के लिए तुमसे मिलने आई थी, तुमने मुझे देखा, उसके बाद नो कहा, मैं वापस घर जा रही हूँ, और मैं करूँ भी क्या? अरे नहीं, मुझे कुछ कनेक्शन फील हुआ है, तुम्हें कुछ भी एहसास नहीं हुआ? So what? So what? I don't know. We should get to know each other, right? हमें एक दूसरे को जानना चाहिए. Let me take you out on a date, please. Lunch or dinner. तुम सब जाने के बावजूद भी बच्चों जैसे बिहेव कर रहे हो अर्जुन. मुझे घर जाते ही yes या no में जवाब देना है. Yes कहा तो हमें जिंदगी भर साथ रहना होगा. No कहा तो ये बात यहीं खत्म हो जाएगी. और फिर शायद 2-3 हफ्तों बाद मैं किसी और लड़के से मिलूंगी, और अगर वो रिश्ता पक्का हो गया तो मुझे उसके साथ जिंदगी बितानी होगी।
माँ की हालत जानने के बाद भी तुम ये कह रहे हो कि डेट पर चलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं? अंजलि, दिस इज नॉट फेयर। बस एक घंटा मिलने के बाद कोई शादी के लिए राजी कैसे हो सकता है? आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू। वो ऑप्शन नहीं है, शादी नहीं तो गुड बाय। अंजलि वेट वेट, जस्ट वन सेकेंड। फाइन, मेरी तरफ से हाँ है, लेट्स गेट मैरिड। कितने कंफ्यूज्ड हो तुम अर्जुन। 10 मिनट पहले बालकनी में तुम मुझे अपने गोल्स गिनवा रहे थे, कार लेनी है, यूरो ट्रिप करनी है, 5 साल तक तुम्हें शादी नहीं करनी, और अब तुम्हारी तरफ से हाँ है। कल सुबह उठकर कहोगे, ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया, इतनी बड़ी गलती, और फिर कंफ्यूज होकर कहोगे शादी कैंसिल कर देते हैं। अगर घर जाकर मैं कहूंगी कि तुमने ना कह दी तो शायद मेरी माँ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आज हाँ कहकर कल ना कर दोगे तो अगर अब तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो तो मेरी ना है। तुम जैसे कंफ्यूज कैरेक्टर से शादी करके मैं पछताना नहीं चाहती। अंजलि, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। अंजलि, अंजलि, लिसन टू मी। हाँ, बोलो। दीदी आप कहाँ हैं? कितनी देर हो चुकी है? क्या हुआ? माँ को फिर से अटैक आया है और इस बार माँ बेहोश हो गई है। हमने एम्बुलेंस बुला ली है, अब जल्दी से प्रसाद हॉस्पिटल आ जाइए। हेलो हेलो, नेक्स्ट टाइम कैश रखिएगा, चेंज में दिक्कत होती है। दादी जल्दी आइए ना। हेलो, सुनो सुनो सुनो, दरवाजा खुला है। अंजलि व्हाट हैपेंड? माँ बेहोश हो गई है। वेट अंजलि, अंजलि मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। काकीज काकीज काकीज, अंजलि कम, आई ड्रॉप यू। अरे ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ ऑटो या कैब कुछ नहीं मिलेगा, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक्स अर्जुन, मुझे हॉस्पिटल में ड्रॉप करते ही तुम निकल जाना। हे नो प्रॉब्लम। कैसी हैं? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल ठीक है, डॉक्टर चेक कर रहे हैं उन्हें। ओके, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। जाओ बेटी। क्या हुआ? ये वही फोटो वाला लड़का है, वही अर्जुन। ये चड्डी में क्यों आया है? लगता है इसकी तरफ से हाँ है, देखो हॉस्पिटल तक भी आ गया। इसी से पूछते चलिए। हाँ। हेलो। हाय। क्यों बेटा, हमें पहचाना नहीं? तुम्हारी लाइफ की हीरोइन की मैं दादी माँ हूँ और ये उसकी छोटी बहन है। अब
आपको दीदी पसंद आई ना, रिश्ता पक्का समझे ना। ये यहाँ तक आया है मतलब इसकी तरफ से हाँ है, अगर हाँ नहीं होती तो यहाँ क्यों आता। ये देखो दादी मेरे जीजा जी। अर्जुन, अर्जुन तुम अंदर क्यों आ गए? जीजा जी बड़े ही क्यूट है। जाकर बैठो। मैंने दो मिनट बात की तो आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आप तो अभी से पजेसिव हो रही है। हा? तुम दोनों अभी जाकर वहाँ बैठी हो या हम यहाँ क्यों आए? माँ का ध्यान रखने के लिए आए। गो सिट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अर्जुन? मैंने कहा था ना मुझे ड्रॉप करने के बाद तुम वापस चले जाना, फिर तुम ऊपर क्यों आ गए? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम हड़बड़ी में गाड़ी से उतर कर चली गई तो मैंने सोचा बाय बोलने के लिए ऊपर आ जाऊं। बाय बोलने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें उन दोनों ने देख लिया है, अब मैं उनसे क्या कहूंगी? ऑलरेडी मुझे माँ को लेकर इतनी टेंशन हो रही है और ऊपर से तुम आ गए टाइम पास करने के लिए, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? जाओ यहाँ से। ओके ओके फाइन, आई एम लीविंग। बोले बिना ही चले गए, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तुम्हें ठीक से बाय बोले बिना जा सकता हूँ क्या? अर्जुन, what are you thinking? अंजलि, ये अर्जुन कम आ जाओ बेटा। आपसे मिलने आई थी, you were busy। नहीं नहीं कोई बात नहीं। डॉक्टर डॉक्टर, meet अर्जुन, मेरे होने वाले जीजा जी। ओह, हेलो। हेलो। Don't worry, she's stable now. कल सुबह जो भी डॉक्टर आएंगे उन्हें देखेंगे और डिस्चार्ज कर देंगे। बिलिंग काउंटर पर हमारा कैशियर बैठा हुआ है, आप उसे जाकर मिल लीजिए और जो भी डिस्काउंट होगा वो दे देगा। ओके ठीक है, मैं कर लूंगी। थैंक यू डॉक्टर। हमारा कैशलेस इंश्योरेंस कार्ड घर पर है, मैं जाकर लेकर आती हूँ। तुम इसे ले जाओगे ना बेटा? या मैं लेके जाऊंगा ना। चलो चलते। बाय अर्जुन। बाय। गाड़ी की चाबी। अंजलि कार इस तरफ। अंजलि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा ना। कम ना। ये क्या आइटम है यार, थैंक यू तक नहीं बोला, बस उतर कर चली गई। चलो बाथरूम हुआ आता हूँ। What do you want? बाथरूम वहां लेफ्ट में।
हेलो सुनो सुनो सुनो, दरवाजा खुला है। अंजलि के घर में चोर घुसा है, पुलिस को फोन करो। जय हनुमान ज्ञान को सागर, जय कपिल सती, जय श्री राम, जय बजरंग बली, बजरंग बली की जय। बचाऊं ये लोग, जल्दी हो दीदी, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो दीदी, दीदी बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो मुझे, अंजलि मत मारो दीदी, दीदी मैं आपके पांव पड़ रहा हूं दीदी, दीदी प्लीज प्लीज माफ कर दो। वेट 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 वेट, अंजलि अंजलि काम डाउन, आई एम हियर नाउ, मैं देख लूंगा ओके, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इट्स ओके। मैं बहुत डर गई थी अर्जुन, किसी ने मेरे बाजू पर हाथ रखा, मुझे लगा तुम थे अर्जुन। It's okay. अंजलि, it's okay. Don't worry. अंजलि. अंजलि, इट्स ओके, जस्ट सिट डाउन, बैठ जाओ, इट्स ओके। ए, चलो उठ। ए, ए, अंजलि व्हाट, मर गया ये, ओह माय गॉड, अंजलि देखो मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, सेल्फ डिफेंस, इट वाज सेल्फ डिफेंस। अर्जुन, अंजलि तुम्हारे पड़ोसी होंगे, मैंने उन्हें बताया था, मस्ट बी द नेबर्स, मैं देख कर आता हूँ। लिसन टू मी, लिसन टू मी, तुम ये दरवाजा लॉक करके हॉल में आ जाओ, इसके बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल दरवाजा बंद कर दो। अर्जुन, What the hell? स्वामी शरणम।
कंप्लेंट तूने किया था क्या? चोर आया था सर, लेकिन वो भाग गया सर, अभी भाग गया सर। आप उसे जाकर पकड़िए ना सर, अभी अभी भागा है, आप ट्राई तो कीजिए। चलिए जाइए जाइए आप सब लोग जाइए जाइए। हाँ जाओ यहाँ से जाओ। स्वामी शरणमय्यप्पा इधर आ, चोर तो भाग गया है, अब उसे नहीं पकड़ सकते। स्वामी सर क्या क्या चोरी हुआ है चेक करो और रिपोर्ट दो। सर रिपोर्ट की क्या जरूरत है, वो तो भाग चुका है सर, चोरी भी नहीं किया उसने। तो दिखने में तो मुझे थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, ये अंदर ध्यान से चेक करो रे। जी सर। क्या रे अंदर ब्लैक मनी है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। इतना टेंशन क्यों लेता है? अर्जुन अब हम क्या करेंगे? कुछ भी हो जाए कुछ मत कहना, एकदम अर्जुन मैंने सच बता देती हूँ। कहाँ मुंह मत खोल, सच बता देते हैं ना अर्जुन? मेरी बात मान। सर सर इन्होंने मेरे साले को मार डाला सर, अंदर उसकी डेड बॉडी है सर, वो मेरा साला था सर, मेरे साले को मार डाला इन्होंने। कृपा करो मैं आपको समझाता हूँ सर, मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर, लेकिन वो चोरी करने आया था, उसने मेरे सर पे मारा और उसने लड़की के साथ बदतमीजी की, उसे रोकने के लिए मैंने उसके सर पे मारा। What? और वो मर गया। It was an accident, sir. Self defense. ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने उसे मारा है। Anjali, Why are you lying? You just shut up. Why are you lying? Anjali, don't complicate things. I'm complicating things. Listen to me. तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने नहीं, मैंने Anjali, उसे मारा है। पहले कहा था। नहीं, तुम अपना मुंह मत खोलो। नहीं, Why you shut up. This? Let me handle this. झूठ नहीं। Both of you shut up. मेरा साला था सर, मैं अपनी बीवी से। हे स्वामी, हे स्वामी, फॉरेंसिक और एम्बुलेंस को फोन कर। कांस्टेबल 102, इन दोनों को गाड़ी में डाल रहे। सर, अंजलि का इससे कोई लेना देना नहीं है सर। आवाज नहीं करने का। तुम क्यों ले जाओ, मेरी बात सुनिए। एक ग्लास को तेरा बाप कवर करेगा। तो तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो? नहीं। लवर्स हो? नहीं सर, शादी के लिए मुझे देखने आई थी। शादी के लिए? इतनी रात को घर पे और कोई भी नहीं था? सर वो एक लॉन्ग स्टोरी है सर, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। लड़का पसंद आया? अभी डिसाइड नहीं किया है सर। नो no. ये बेकार की बातें छोड़िए सर, वहाँ क्या हुआ था मैं बता दूँ। अब ये पक्का झूठ बोलेगी, ये मुझसे बहुत प्यार करती है सर, मुझे बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देना चाहती है सर। What nonsense sir, कैसी कुर्बानी, मैं इसे जानती नहीं, इसका पूरा नाम तक नहीं पता। What nonsense, he's lying sir, I'm telling you he's lying, listen to me please। No sir, मेरी बात सुनिए। Listen to me, मैं सच कह रही हूँ, you know। हे, वो इतनी रात को रिप्लाई कर रही है, मतलब वो उसे प्यार करती है ना? ये बता ना। ए, बहुत नींद आ रही है यार मुझे। बोलो, क्या हुआ था? बताती हूँ सर, मैंने उसे सर पे मारा और वो। सर मैं कह रही थी कि। चुप। हे, हे। डिनर के लिए बुला रही है। चुप हो जा, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तू डिनर पे जा या बाहर में जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बोलो। आपको किसने कहा वो मर गया है सर? इसकी पल्स किस गधे ने चेक की थी सर? आपके कहने पर उठा कर ले, लेकिन वो तो भाग गया यहाँ से। वो सिर्फ बेहोश था, उसे कुछ नहीं हुआ था। अब हम क्या करें सर? हाँ ठीक है, चल फोन रख।
कांस्टेबल 102, इस पागल को बाहर निकालो। तू बोलता है तूने मारा, ये बोलती है इसने मारा, सेल्फ डिफेंस के लिए या गलती से मारा। देखो जो भी है, मर्डर मर्डर ही होता है। देखो एक बार केस फाइल हो गया ना, तो तुम जिंदगी भर कोर्ट का चक्कर लगाएगा। सर आप ही बताइए क्या करें। करेक्ट, तुम बताओ क्या करना चाहिए। समझ गया सर, समझ गया। सर मेरे पास कुल मिला के 12 लाख रुपए हैं, सारे लेकर आता हूँ। अर्जुन वो तुम्हारी लाइफ सेविंग्स है जिनसे तुम्हें कार लेनी है, प्लीज चुप हो जाओ। अंजलि तो फिर तुम दे दो ना, दे पाओगी क्या? नहीं ना। अरे मैं कहीं भाग रहा हूँ क्या? बाद में लौटा देना, पहले इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। 12 बहुत कम होने का, 20 लेके आ। 20 लाख? सर एक काम करता हूँ, अभी मैं आपको 12 देता हूँ और फिर 2 हफ्ते बाद बाकी के भी दे दूंगा। तो लाकर देगा, उसका क्या गारंटी है? सर आप जब चाहे मुझे अंदर डाल सकते हैं, मैं आपसे पंगा क्यों लूंगा? सर सर मेरा सारा जिंदा है सर, वो घर वापस आ गया, घर से मुझे अभी भी फोन आया है। अरे आप दोनों अभी तक इधर हैं? उसे कुछ नहीं हुआ, अब केस वेस सब खत्म, आप लोग जाइए 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 जाइए, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। ठीक है 12 लेके आ। बट वाई सर? एक पैसा नहीं देंगे। ए, तू जानती है ना मैं कौन है? हाँ? तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, अर्जुन को लेकर जा रही हूँ मैं, दम है तो रोक कर दिखा। कम अर्जुन। फोन उठा भाई। मैं बाद में करता हूं। अंजलि वाह, वेयर डिड दैट कम फ्रॉम? बट अर्जुन वो आदमी जिंदा था इसीलिए तो हम बच गए, नहीं तो ये मर्डर केस बन जाता, तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो जाती। अर्जुन व्हाट वर यू थिंकिंग? मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे दिमाग में बस यही था कि तुम्हें इस सब से निकालना है, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता था अंजलि। व्हाट? तो चलो। क्या हुआ? Shit. ये कब हुआ? I don't know. I just realized. तुम चल नहीं पाओगी अंजलि, अभी तो 1 किलोमीटर और चलना है। इनकी गाड़ी हमें छोड़ सकती है। बिल्कुल नहीं, मैं जिंदगी में कभी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। I'll manage अर्जुन। अरे अंजलि are you sure? How will you manage? Bleeding stop, stop होते ही I'll be fine. अच्छा Let me pick you up. Arjun? You're okay, no? Huh? You're okay, no? क्या हुआ अंजलि? Are you okay? What? तुम थोड़ी थकी हुई लग रही हो। No, I'm fine. तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है। थोड़ा रेस्ट कर लो। आराम से, आराम से। Take some rest. थोड़ा रेस्ट कर लो ना।
दर्द हो रहा है क्या? ठीक हो जाएगा, आपको भूख लगी होगी ना? हाय अनु। हाय दादी। हाय अर्जुन। क्या हुआ, एक कार लाने में इतनी देर लगती है क्या? तुम दोनों घर पर गए थे और घर पर तो कोई भी नहीं था, तो कहीं ऐसा तो नहीं? जी, वैसा कुछ भी नहीं है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बाद में बताता हूँ। दादी को क्या हो गया? दादी को एसिडिटी प्रॉब्लम है, काफी देर से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। एसिडिटी प्रॉब्लम, खाने से अच्छा जूस रहेगा। अच्छा ठीक है, जूस लेकर आता हूँ। कहाँ से लाओगे, मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ, हॉस्पिटल का कैफेटेरिया भी बंद हो चुका है, एक दिन दादी को मैनेज करना पड़ेगा, हम लोग क्या करें? ओके, मैं कुछ करता हूँ, रुको। रात के 2:30 बज गए हैं बेटा, इतनी रात को कहाँ से जूस लाओगे? डोंट वरी दादी, मैं देख लूंगा। दादी थोड़ा बर्दाश्त कर लो ना प्लीज। बर्दाश्त नहीं होता बेटा, प्लीज थोड़ा पानी पी लो दादी। नहीं, नहीं पिया जाएगा। अर्जुन कहाँ है? कहीं गया है। नहीं नहीं नहीं, हा? अरे वो गया बाबा। दादी प्लीज ये लो, चला गया ना। दादी प्लीज थोड़ा सा, कैसे, अरे प्लीज पी लो। नो चांस। क्या हुआ बेटा? डॉक्टर ने कहा ना माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी, फिर इतनी दुखी क्यों होती है? दादी, दादू के जाने के बाद आपने खुद को कैसे संभाला था? मैं टूट गई थी बेटा, बर्दाश्त नहीं हुआ था मुझसे, तुम्हें पता है प्यार से भी ताकतवर कुछ होता है, वो है आदत। 40-50 साल से उनके साथ रहने की आदत थी मुझे, झगड़ा करना हो या प्यार करना हो, मेरे पास उनके अलावा और कोई भी नहीं था। और जब वही इंसान आपको छोड़कर चला जाए तो सब खत्म हो जाता है। ऐसी आदत नहीं डालनी है दादी, 15 साल पहले मुझे पापा की आदत डल चुकी थी, हाथ पकड़कर स्कूल भेजना, अपने हाथों से खाना खिलाना, और फिर वो सबको छोड़कर चले गए। देर लगाता है कोई दरवाजा खोलने में? What the? अभी रात के 10 बज रहे हैं क्या? 10 नहीं, अभी सुबह के 4:45 बज रहे हैं।
4:15 बज रहे हैं। हाँ? तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे बाप का घर है क्या ये? ए, बाप पे मत जा, ये लाइफ एंड डेथ मैटर है, मेडिकल इमरजेंसी, मुझे अर्जेंटली ऑरेंज जूस चाहिए। ऑरेंज जूस? हाँ। बैचलर के घर पर ऑरेंज जूस चाहिए, फ्रिज में बियर है। ए, मैंने कहा ना मुझे अर्जेंटली ऑरेंज जूस चाहिए। बियर ले और निकल। ए, ए, मेरे लिए नहीं है यार, मैंने कहा ना मेडिकल इमरजेंसी है। बियर ले और निकल। हेलो, उनके पास होगा क्या? जाकर पूछ ले। ए, ए, तेरे पड़ोसी है ना, तू पूछेगा? मैं नहीं आऊंगा। अरे अच्छा, नहीं नहीं, अरे मत कर। अरे क्या कर रहा, मरवाएगा क्या? हे, अब बेबी रियली? हाय, तुम हो? जी मैं सुजीत। इस वक्त कोई किसी की बेल बजाता है क्या? आप कुछ बेबी कह रही थी। हेलो, मैंने बेबी तुम्हें नहीं कहा, अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, वो इंटरनेशनल ट्रिप से वापस आने वाले हैं। तुम्हें क्या चाहिए, जल्दी कहो। प्लीज प्लीज, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, लाइफ एंड डेथ मैटर, मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। क्या चाहिए? मुझे ऑरेंजेस चाहिए। ऑरेंजेस चाहिए? प्लीज प्लीज, इट्स अ लाइफ एंड डेथ मैटर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है ठीक है, लाती हूँ, रुको। ये लो। थैंक्स अ लॉट। अब भगवान के लिए जाओ यहाँ से, उनके आने का टाइम हो गया है। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया ना, तो प्लीज जाओ यहाँ से। अब क्या चाहिए? मुझे एक्चुअली ऑरेंज जूस चाहिए, मेडिकल मेडिकल इमरजेंसी, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। क्या लिविंग रूम है यार, मस्त मूड बन गया। थैंक यू सो मच। अब तुम जाओ। यू वुडंट बिलीव, अगर मेडिकल इमरजेंसी नहीं होती तो मैं आपको कभी तंग नहीं करता, वो भी इतनी रात को तो बिल्कुल भी नहीं। सो स्वीट ऑफ यू, रियली आपने तो जूस वालों से भी जल्दी बना दिया। हेलो सर, भाभी आपको बेबी कहकर बुलाती है ना, बताया उन्होंने। सो क्यूट हाँ। एंड बाय द वे, डोंट माइंड सर, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, लाइफ एंड डेथ मैटर। अब बताओ ना मैडम। जिंदगी में अपनी गंदी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। अरे सुना, मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन में हूँ, अगर तू मेरे साथ चलेगा तो अच्छा होगा। डॉक्टर ने कहा कि कल हम माँ को घर ले जा सकते हैं। अभी माँ की तबीयत पहले से बेहतर है। हाँ, सुजीत। अरे दादी, ऑरेंज जूस। ये कहाँ से लाया बेटा? मैं कुछ भी कर सकता हूँ दादी, जूस क्या, रात को सूरज भी ला सकता हूँ। लेकिन ये कहाँ से मिला और कहाँ से दादी? इस वक्त तो 5-स्टार होटल ही खुले रहते हैं। क्या बात है यार, है ना अर्जुन? हाँ सही कहा। So sweet. One second. इधर आ। 5-स्टार होटल से लाया है तू? 5-स्टार होटल से लाया है तू? अरे ये सब छोड़ना यार, भूल जा। थप्पड़ मैंने खाया और यहाँ सबकी नजर में तू शाहरुख बन के घूम रहा है और मैं कौन हूँ, चूचा? अरे तू तो सलमान है यार। अब बैठ। मैं तो गाल भी सूझ गया। Can I talk to you for a second? अभी बात करनी है। आओ चलो। हाँ? ओ भाई मुझसे। योर लेग इज ओके ना, अभी दर्द नहीं हो रहा ना? थैंक्स फॉर एवरीथिंग अर्जुन, अब तुम जा सकते हो। जा सकता हूँ? लेकिन क्या हुआ अंजलि, सडनली मुझे जाने के लिए कह रही हो?
मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। क्या अनबिलीवेबल, यू जस्ट अनबिलीवेबल। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? डू यू लव मी? इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। डू यू लव मी? नो, एंड दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट। मुझे कुछ नहीं कहना है। सो सब खत्म है ना? मैं तो बस 5 साल अकेले रहना चाहता हूं, लेकिन तुम तो देखना, तुम तो जिंदगी भर अकेली रह जाओगी अंजलि। मैं ऐसी ही हूं, मुझे किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है और ना ही मेरी लाइफ किसी पर डिपेंडेंट है। सो रोज ये लड़के देखने का नाटक क्यों करती हो? तुम तो कह रही हो ना कि तुम्हें किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो फिर ये क्यों, ये क्या है? सुपर्ब, बहुत अच्छे। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, यू जस्ट हैव वन लाइफ। और तुम भी मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो अर्जुन, यू ऑल्सो हैव वन लाइफ। दीदी मामा आए हैं। अच्छा? हाँ दीदी, मैंने ही उन्हें कॉल किया था। शाम तक तो ठीक थी, फिर अचानक। हाँ आओ, अब माँ कैसी है? स्टेबल है मामा जी। सॉरी बेटा, मुंबई में बारिश होने की वजह से मेरी फ्लाइट डिले हो गई, इसीलिए आने में देर हो गई। नो प्रॉब्लम मामा जी, माँ अभी ठीक है, डॉक्टर बोले कल सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। वो सीरियस थी ये सोचकर उन्होंने बेवजह आपको फोन कर दिया। उसने बिल्कुल ठीक किया बेटी, मैं वैसे भी घर आने ही वाला था। डॉक्टर कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है। हाँ, देख कर आते हैं। हम माँ को टाइम पर यहाँ लेकर आ गए और उन्हें टाइम टू टाइम दवाई भी दे रहे हैं, पर थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, इसलिए आप ही बताइए हम क्या कर सकते थे। मैं चलता हूँ दादी, बाय। क्या हुआ अर्जुन? ये मेल में वो फोटो, अर्जुन? हाँ ये वही है। हाँ मैं अंजलि का मामा हूँ, मुंबई में रहता हूँ। हेलो, तुम यहाँ कैसे? रिश्ता पक्का हो गया क्या? समझो हो ही गया। मैं अकेले में तुमसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ, कम। सर सर, बट सिगरेट? हॉस्पिटल बालकनी है ना, वैसे काम क्या करते हो तुम? आई वर्क फॉर दिस फर्म कॉल्ड टेक आर्ट, बेसिकली वी प्रोवाइड बिजनेस सॉल्यूशंस। ठीक है, मेरी बात सुनो अर्जुन, मैं दिल से बात करूंगा इसलिए बुरा मत मानना, दिल पे मत लेना। तुम दुनिया के सबसे लकी लड़के हो, हालांकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, और एक बात कहना चाहूंगा कि चाहे तुम कितने भी अच्छे लड़के हो, नोबडी डिजर्व्स हर। अंजलि के बारे में तुम क्या जानते हो? क्या मतलब? अंजलि के बारे में, अंजलि जब 12 साल की थी उसके पिताजी की मौत हो गई थी। जिंदगी में रिश्तों की अहमियत आदमी तब समझता है जब वो अपने पिता को खो देता है। अंजलि को यह बात थोड़ी जल्दी समझनी पड़ी, बहुत ही छोटी उम्र में। तब मैं बहुत कम कमाता था, नया नया बिजनेस शुरू किया था। अंजलि को साफ बोल दिया कि मैं उसकी देखभाल करने की हालत में नहीं हूं। तब उस 12 साल की लड़की ने मुझसे कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। और उस दिन से अपने परिवार को वो खुद ही संभालने लगी। स्कूल से घर आने के बाद वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, और उससे जो पैसे मिलने लगे उनसे वो अपने परिवार को संभालने लगी और साथ ही खुद भी पढ़ाई की। जब मेरा बिजनेस सेटल हो गया तो मैं उसके पास वापस गया और कहा मेरे साथ चलो, लेकिन उसने मुझसे कहा भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है और हम बहुत खुश हैं, आज आपका काम अच्छा है तो आप हमें संभाल सकते हैं, कल अगर नहीं रहा तो हमारा बोझ उठा पाएंगे, इसीलिए हमें आपके सहारे की आदत नहीं डालनी है, और ये हम दोनों के लिए अच्छा है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी।
ऐसी है हमारी अंजलि। पूरे परिवार की ताकत है वो। छोटी सी उम्र में वो समझ गई थी कि डर क्या है, जिम्मेदारी क्या होती है, और उसने अपनी कमजोरी किसी के सामने नहीं आने दी। मामा जी डॉक्टर आई हैं, आपके लिए वेट कर रही हैं। हाँ ठीक है चलो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो डॉक्टर। हाँ? वो होश में आ गई हैं, सबसे मिलना चाहती हैं, चलेगा ना? हाँ हाँ कोई हाँ? बात नहीं, आप मिल सकते हैं। जी आइए। ओके बाय। मैं वन सेकंड, मैं आपको डाइट चार्ट और मेडिसिन बता देती हूँ, आप उसे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। ओके। लता क्या हुआ, उस लड़के ने शादी के लिए हाँ कहा? तुम अभी आराम करो, हम बाद में बात करते हैं। पहले बताइए उसने क्या कहा। अरे मेरी अम्मा, उसने हाँ कह दी, वो तो हॉस्पिटल तक भी आया है तुम्हारे लिए। अनु अर्जुन को बुलाओ। ओके मामा जी। अर्जुन बुला सकती हूँ ना? अरे आप इतना फॉर्मल क्यों हो रही हैं? अर्जुन ही बुलाइए। वो मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ ना, वो भी इस तरह इस हालत में। कोई प्रॉब्लम नहीं है आंटी। अर्जुन मेरी ये हालत देखकर तुम डरना मत। अंजलि की जिंदगी में मैं बस एक भार हूं बेटा, और वो भार अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। मैं अपना ध्यान रख लूंगी, कहीं दूर चली जाऊंगी, तुम्हारी लाइफ स्पॉइल नहीं करूंगी। तुम बस अंजलि को हमेशा खुश रखना, वो बहुत अच्छी लड़की है बेटा। अब समझ में आया, अंजलि ऐसी क्यों है, अब समझ में आया। अंजलि बिल्कुल आपके जैसी है, बस दूसरों के बारे में सोचती है, उसे हमेशा आपकी चिंता लगी रहती है। इनफैक्ट अब तो हालत ऐसी है कि शायद वो खुद के बारे में सोचना ही भूल चुकी है। जैसा कि आपने कहा, आपकी अंजलि वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन आपसे मिलने के बाद एहसास हुआ कि उसकी अच्छाई की वजह आप हैं। दरअसल आज अंजलि से मिलकर, उससे बात करके एक बात तो साफ दिखाई देती है, आप अंजलि पर भार नहीं है बल्कि आप ही उसकी ताकत है। आप सो जाइए, टेक रेस्ट। आ जाओ, सब लोग बाहर चलते हैं, इसे थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। सो जाओ, मैं चलता हूं, बाय।
अंजलि कहाँ गई? पता नहीं, मुझसे कुछ भी कहा नहीं और नीचे उतर गई। अंजलि, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? क्या जवाब दूंगी मैं? सबको सोचा है? कहा था ना मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप करके तुम चले जाना, और क्या किया तुमने? ऊपर आ गए, दादी और अनु से मिल लिए। मैंने फिर कहा तुम्हें घर जाने के लिए, और तुम फ्लैट तक आ गए, और सबने तुम्हें अंदर आते हुए देख भी लिया। फिर तुम हॉस्पिटल आ गए, मामा से तो मिल लिए, फिर जाकर माँ से भी मिल लिए। इन सबको जब पता चलेगा कि रिश्ता पक्का नहीं हुआ है तो ये सोचेंगे कि तुम्हारी तो हाँ है, मैंने ही ना कर दी होगी। तुम्हें 5 साल तक शादी नहीं करनी है ना, तो फिर कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? गुड मॉर्निंग बेटा। अरे कितने बज गए, एक मिनट रुकिए। मैं घर जाकर और ले आती हूँ। अंजलि, डोंट टच मी। तुम सारे मर्द भरोसा तोड़कर अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हो, पापा मामा सबके सब। इसलिए मैं तुम्हें बार बार जाने को कह रही हूँ अर्जुन, और तुम वापस आ जाते हो। मुझे डर है कि कहीं मुझे तुमसे प्यार ना हो जाए, इसी बात का मुझे डर है। डोंट इरिटेट मी अर्जुन, गो। I said go. Sorry, Anjali. Oh, सच में चले गए? जाओ जाओ जाओ। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अंजलि? What do you want me to do? अब मैं यहाँ से जाऊँ या रुकूँ? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुमने तो अभी कहा था कि मैं बार बार वापस आ जाता हूँ, और तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। तो अंजलि, अंजलि, अर्जुन गो गो। नहीं जाऊंगा, अब समझ में आ गया। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी आंखें सच कहती हैं। मेरी आंखों में देखकर जाने को कहो, चला जाऊंगा। लुक एट मी अंजलि। कल सुबह उठकर तुम अपना फैसला बदल तो नहीं लोगे ना? ये तो नहीं सोचोगे कि तुमने गलती कर दी है? अगर ऐसा कुछ भी है तो अभी बता दो अर्जुन।
मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो फिर चलो, लेट्स गो। चलो व्हाट, शादी करने? हाँ अंजलि, मैं सीरियसली कह रहा हूं, मेरी इच्छा है कि हम जिंदगी भर साथ रहें, और हमारे पेरेंट्स भी तो यही चाहते हैं ना, हम बस थोड़ी जल्दी शादी कर रहे हैं, इतना ही। व्हाट, पागल हो क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? लाइफ में पहली बार कुछ सही कर रहा हूं। जरा सोच कर देखो, अगर शादी का मुहूर्त 5 महीने बाद का मिला तो तुम्हारी माँ दिन रात शादी के टेंशन में रहेंगी, लेकिन उनके डिस्चार्ज होने से पहले अगर हमारी शादी हो चुकी हो तो वो कितना खुश हो जाएंगी, सोचो। एकदम निश्चिंत होकर रहेंगी और कोई खर्चा भी नहीं होगा, सब कुछ डिसाइड हो चुका है ना, तो अब देर किस बात की? आज ही शादी हो गई तो हम एक दूसरे के साथ रह भी सकते हैं। व्हाट एन आउटस्टैंडिंग प्लान, आई एम अ जीनियस। मैं जाकर गाड़ी निकाल रहा हूँ, जल्दी आना। ए, क्या मतलब जल्दी आना अर्जुन? अर्जुन, अर्जुन स्टॉप दिस नाउ। अर्जुन कम इनसाइड। अर्जुन प्लीज, अर्जुन Arjun, this is a ridiculous idea. What is wrong with you? तो चले। Arjun, please stop. Oh Arjun, car रोको please. हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं Arjun. अच्छा, तुम्हारा नाम अंजलि है, so A. मेरा नाम अर्जुन है, so A. तो शादी के बाद क्या बच्चों का नाम भी A से स्टार्ट होगा? नहीं, लड़का हुआ तो नाम रणबीर होगा। ए, तो तुम रणबीर की फैन हो? वो तो मुझे भी पसंद है। अर्जुन, तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? मुझे ये तक नहीं पता, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, मैं से कैसे शादी कर रहे हैं? अर्जुन प्लीज स्टॉप द कार, प्लीज। देखो अंजलि, जिस लड़की ने मुझे बिना पहन के देख लिया, मैं तो कंफर्म बस उसी से शादी करूंगा। पहली वाली ब्रेकअप करके चली गई, और दूसरी लड़की तुम, शादी तो तुमसे ही करूंगा। मतलब उस लड़की ने भी तुम्हें बिना पहन के देखा था? यानी कि तुम दोनों के बीच कुछ और भी है? बिल्कुल, इट वाज अ 3-year रिलेशनशिप, मतलब बहुत कुछ हुआ यार। कार रोको। क्यों? I said कार रोको। What? मुझे सेकंड हैंड हस्बैंड नहीं चाहिए, गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। और मुझे भी कोई एक्सपीरियंस लड़की चाहिए थी, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ ना, तुम भी करो। You cheapo! अरे, at least let me drive, Anjali, there's traffic. Hey, क्या कर रही हो? साहब, आपने शादी कर ली? ए मणि, तेरा फोन दे। हाँ मणि, बोलो। हाय माँ। अर्जुन, कहाँ पर है तू? मैं तो मार डालूंगी तुझे। माँ, मैंने तुझे लड़की से मिलने कहा था और तू घर छोड़कर भाग गया। माँ, तुम्हारा फोन यहाँ घर पर बज रहा है। अंजलि का फोन स्विच ऑफ है, उसके घर पर फोन किया तो किसी ने उठाया ही नहीं। यू रिस्पॉन्सिबल इडियट, उन्हें क्या जवाब दूंगी मैं अब? हाँ, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने? दिस इज टू मच, सो इररिस्पॉन्सिबल ऑफ यू। हाउ कुड यू? मामा, व्हाट? ओपन द डोर मां। ओह, तो तू बाहर है? रुक जा, अभी आती हूँ, आज तो इसकी खाल उधेड़ दूंगी मैं। नाक में दम कर रखा है मेरी। हाय मां। आप शर जीत गई मां, मैंने अंजलि से शादी कर ली। नर्स जी,
जी डॉक्टर। यहाँ जो पेशेंट था कल उसे डिस्चार्ज कर दिया था ना? जी डॉक्टर। तो फिर ये कौन है? नहीं पता डॉक्टर। तुम लोग कितने रिस्पॉन्सिबल हो गए हो, जाकर देखो उसे क्या हुआ है। तुम्हें एडमिट क्यों किया है? तुम्हें डायरिया हुआ है ना?